Hello everyone, let's start with question number 3 of exercise 4.2. It says, check which of the following are solution of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not. तो हमें बताना है कि ये solution हो भी सकते हैं इस equation के या नहीं. तो check कैसे करते हैं? हमें पता है कि जो first value होती है वो हमारी x होती है, so x is 0. Second value जो होती है वो हमारी y होती है, so y is 2. अब हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस इक्वेशन के इक्वल आते हैं अगर हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं इसमें. तो x हमारा 0 है, वी विल राइट 0. 2 इनटू y, y की वैल्यू हमारी 2 है, सो दिस इज 4. लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आपके पास क्या बचा, -4. राइट हैंड साइड पे देखो आपके पास क्या बचा, +4. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं है, देयरफॉर यू कैन राइट दैट द लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side, therefore 0, 2 is not a solution for this linear equation. Let's do second part. So we have x as 2 now and y as 0. अब हम इसी equation में put करके देखेंगे दोबारा से कि हमारे left hand side और right hand side क्या equal आ रहे. So x as 2, 2 as it is, y की जगह 0 is equal to 4. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचा, ओनली 2, क्योंकि देखो 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा और 2 में से 0 गए तो 2 ही आएगा. सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप अगेन देख सकते हो, दे आर नॉट इक्वल. और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आते, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन. लेट्स डू थर्ड पार्ट. इट इज 4, 0. तो 4, 0 पुट करके देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं. सो वी नो दैट फर्स्ट इज x एंड y इज 0. सो लेट्स पुट दीज वैल्यूज इनटू इक्वेशन नंबर 1, दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. x की जगह 4 पुट करेंगे, 2 एज इट इज, y की जगह 0. सो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या बचा, ओनली 4, क्योंकि 2 इंटू 0 इज 0. और राइट हैंड साइड के पास क्या बचा आपके पास, 4 ओनली. तो 4 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेट्स डू फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज अगेन सेम, बट सॉल्यूशन हमारे क्या है, √2 एंड 4√2. सो हम पुट करेंगे इसको भी सेम जैसे हमने पहले किया. x की वैल्यू √2 आ गई, y की वैल्यू 4√2 आ गई. अब हम इक्वेशन में इसको पुट करने वाले हैं सो दैट वी कैन चेक कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है या नहीं है. सो x इज √2, y इज 4√2 और लास्ट में हमारा 4 है. अब दिस इज √2 फर्स्ट टर्म, और इस टर्म को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 8√2. और जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो -7√2 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 4. और अगर 4 के इक्वल नहीं है ये, सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन टू गिवन इक्वेशन. लेट्स डू लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट इज 1, 1. सो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या ये दोनों सॉल्यूशन है हमारे इस इक्वेशन के, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के या नहीं. सो डू कमेंट डाउन योर आंसर, आई विल चेक इट कि आपने सही दिया या नहीं. थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट.